नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। मैंने आपको पिछले दिनों एक समाचार दिखाया था, बड़ी सनसनी खेज वो खबर थी डंडारी से। आज मैं उसी सरजमी पे पहुंचा हूं और मैं दिखाऊंगा कि डंडारी किस तरीके से डंडारी प्रखंड के जनप्रतिनिधि परेशान और हतोत्साह होते नजर आ रहे हैं। जबकि एक तरफ उन्हें वैश्विक महामारी कोरोना से भी लड़ना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कार्यालय के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किस तरह का रवैया अपनाया गया है उसको मैं आपके सामने प्रदर्शित करने आया हूं। अब बने रहिए बीटी न्यूज बिहार के साथ। एक खबर आपने देखी थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि डंडारी प्रखंड के डंडारी पंचायत की मुखिया नीलम देवी को कार्यालय से किस तरीके से भगाया गया और जाति सूचक शब्द भी कहे गए थे, वो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से। प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आखिर हुआ क्या था, इस चीज की जानकारी मैं लेने नीलम देवी के पास पहुंचा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय नीलम देवी। नीलम जी, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, ये बताइए कि आपके साथ कार्यालय में हुआ क्या था। देखिए, मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहती हूँ। मैं नीलम देवी, डंडारी पंचायत की मुखिया हूँ। मेरे साथ जब हम वीडियो साहब के कक्ष में गए थे, वहाँ पर वीडियो साहब के चैम्बर में इंदिराबाद सहायक के कुछ समस्या लेकर वीडियो साहब का कहना था, नहीं तो ये मेरी बात को सुनी, बार बार बोलती थी कि ठीक है लिखित में दो। उनको हम लिखित में जब दिए थे तो ये मेरी लिखित भी स्वीकार नहीं किए और मुझे चैम्बर से बाहर कर दिए थे। और मेरे बोले कि किस मामले को लेके गई थी? इंदिराबाद सहायक के मामले को लेके थे। इंदिराबाद सहायक मेरे पंचायत में बहुत सारा ऐसा सा काम करती है कि जो यही समस्या को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो पैसे लेते नजर आई है। हाँ सर, वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, वो तो पैसा लेते नजर आ रहे थे, हम भी देखे थे, लेकिन हम इनको यही के समस्या को लेकर गए थे, लेकिन वीडियो साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब उसी के लिए हम लिखित में उनको दिए तो उनको मेरे जाति सूचक भी शब्द बोले और चम्मच से बाहर कर दिए थे। उस दिन से हमें लगभग आज 2 महीने हो चुका है, अभी तक उसको चम्मच में आज तक हम कभी गए भी नहीं हैं। इस बीच में वीडियो साहब ने आपसे कुछ कोरोना को लेकर के जानने की कोशिश की? नहीं, इसके लिए कभी आज तक वीडियो साहब कॉल भी नहीं किए हैं, तो जानने का पहचानने का कोई बात नहीं किए हैं। क्या नाम है वीडियो साहब का? कुंदन कुमार। जिस तरह से डंडारी मुखिया श्रीमती नीलम देवी के चैम्बर में जा कर के ये अपना समस्या को कहने के लिए, इनका संवैधानिक अधिकार है, चूँकि आप प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, यहाँ किसी भी कर्मी के द्वारा, चूँकि आप प्रखंड के गार्जियन हैं, तो कोई भी समस्या निश्चित रूप से आप ही के यहाँ जाएगा। पंचायत के तो गार्जियन आप भी हैं, तो वही पंचायत में ही समस्या है। तो समस्या जब पंचायत में उभरा तो वह समस्या के लेकर बीडीओ साहब के यहाँ गए तो निश्चित रूप से उस बात को सुनना चाहिए, और यदि नहीं सुने हैं और यदि उन्होंने जैसा कि नीलम देवी ने बताए कि मुझ पर जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो यह निश्चित रूप से बीडीओ साहब ने बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें यह बात को वापस लेना चाहिए। तो ये हकीकत है डंडारी प्रखंड की, जहां जनप्रतिनिधि को चैम्बर में प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ जो बातचीत होती है और उसमें जो दुर्व्यवहार सामने आया है वो नीलम देवी को लेकर के आया है, जिन्हें अपने चैम्बर से निकालते हुए जाति सूचक शब्द भी कह दिया। पूरे डंडारी प्रखंड के अंतर्गत 8 पंचायत हैं और 5 पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद होकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिलाधिकारी बेगूसराय, अनुमंडलाधिकारी बलिया को डंडारी प्रखंड पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का, बेगूसराय का, डंडारी का कुछ नहीं हो सकता है, और अधिकारियों पर से आमजनों और जनप्रतिनिधियों का भरोसा उठ सकता है। मैं पंकज भट्ट, बीटी न्यूज़ बिहार के लिए डंडारी से। मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि डंडारी प्रखंड में कुल 8 पंचायत हैं और इस 8 पंचायत में से 5 पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। हमारे साथ इस समय अमरजीत सरी बांक पंचायत से हैं। हम इनसे पूछेंगे
कि आप क्या कहना चाहेंगे डंडारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि जिन्हें पंचायत के 10,000 जनता ने जिन्हें जनप्रतिनिधि बनाया और वो जनप्रतिनिधि के आवाज़ को अगर कोई पदाधिकारी के द्वारा अगर दबाया जाता है, अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो निश्चित रूप से यह घोर, मैं उस बात को घोर विरोध करता हूं और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। यदि किए हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से यह बात को सार्वजनिक करनी चाहिए कि मेरे द्वारा यह बात बोला गया, यह मुझसे गलती हुई है, यह उनको कहना चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि व्यवस्था के लेकर जो आपके द्वारा पूछा गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ जितना भी जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही है, सारे जनकल्याणकारी योजनाएं पूर्ण रूपेण लचर पचर व्यवस्था में है। चाहे वृद्धा पेंशन को ले लीजिए, हमने पिछले दिन भी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मिलने के गया था पेंशन के सवाल पर कि श्रीमान मेरे पंचायत में लगभग 100 से अधिक ऐसे लाभुक हैं जिन्हें 4 साल से पेंशन योजना की लाभ नहीं मिल रहा, पूर्व में मिल रहा था और अभी खाता होने के कारण बंद है। हम हर बैठक में, पंचायत समिति की बैठक हो, मुखिया संघ की बैठक हो, मुखिया और बीडीओ साहब के साथ बैठक हो, हम हर बैठक में यह सवाल को दोहराते हैं ताकि किसी प्रकार इस समस्या से निजात मिल जाए। फिर भी अभी तक इसका नहीं हुआ है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रखंड के अंतर्गत सभी जन कल्याण योजनाएं, चाहे कन्या विवाह हो, कबीर अंत्योष्टि हो, पेंशन हो, सारा योजनाएं लचर पचर व्यवस्था में है। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा कि इसे निश्चित रूप से इस पर ध्यान देकर इसको कराया जाए ताकि जनता के द्वारा जो हमें जनमत मिला, चूँकि आगामी 1 साल के बाद हम लोगों को क्षेत्र में जाना, ऐसे परिस्थिति में या समय से पहले पूर्ण हो। ये सब बात आप इसलिए बोल रहे हैं कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम लोग ये कदम उठा रहे हैं तो हमारा जो योजना चल रहा है वो अधर में लटक जाएगा, ऐसा भी लग रहा है क्या? देखिए, आधार में तो लटका ही है, आधार में नहीं लटके इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं डर लगता है। नहीं तो उनके उनके हाथ का चीज है, अगर वो चाहते तो निश्चित रूप से अभी तक एक भी लाभुक नहीं बचता, उन्हें भुगतान होता। हम लोग सोते हैं। तो वो चाहते हैं कब पता चला जी? कब चाहते हैं? काम जो करना है, जिस किसी भी योजना को बढ़ाना है, तो उनकी चाहत कब जगती है? देखिए, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, निश्चित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के जितना भी कर्मी है, जरा सा भी उन पर ध्यान नहीं। साधारण एक जाति आवासीय आय बनाने के लिए लोग चले जाए, उसको एंट्री करने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, हम समझते हैं लाभुक कितना ब्लॉक का चक्कर लगाता है, को अंतिम में थक मर करके वह 200-400 रुपया दे करके बनाना ही मुनासिब समझता है। मतलब कुल मिलाकर के पैसे दिए बगैर काम नहीं होता। जी जी जी, इतनी सी छोटी सी बात कहने के लिए आपको इतना बात बोलने की क्या जरूरत थी? बात छिपा रहे हैं, बात छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से पंचायत समिति सदस्य से बात करता हूँ, एक सेकंड मैं ले लेता हूँ। जो बात अमरजीत सहनी जी ने कहा है जी, उसमें कहीं ना कहीं से ये दिखाई पड़ा कि बगैर घूस का, बगैर पैसा लेन देन किए,
डंडारी में कोई काम आगे बढ़ नहीं सकता। इसका हम समर्थन करते हैं और इसका सत्यता मेरे पास एविडेंस है कि आज से पहले 9 महीना पहले जब बीडीओ साहब ज्वाइन किए थे तो उन्होंने आते आते कुछ नहीं किया। उन्होंने एक क्या किया कि पंचायत का जो भी वित्तीय खाता था सभी को बगैर किसी का बगैर संवैधानिक अधिकार का सभी खाता को उन्होंने सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया कि मगर मेरे आदेश का कोई चेक पास नहीं होगा। और जैसे ही मुखिया जी पे दबाव दे करके उन पे प्रेशर बना के कि आप पैसा नहीं देते हैं, आपको काम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, उसी का उदाहरण है कि बहुत से पंचायत में सरकार की योजनाएं अधेरे में लटकी हुई है। 7 निश्चय का योजना अभी तक जल नल का योजना पूर्ण नहीं हुआ है। और जब ये हम लोगों ने संघर्ष किया, सभी प्रतिनिधि ने संघर्ष किया, यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के SDO को, यहाँ के मंत्री को लिखित रूप से आवेदन दिया हम लोगों ने पूरे तन मन से, और हमने धरना प्रदर्शन के लिए किया प्रखंड के अंदर में, तब जाके कहीं ना कहीं जब इनको लगा कि अब मेरे खिलाफ एक समाज का क्रांतिकारी रूप ले लेगा, तब जाके ये डर के मारे एक चिट्ठी निकाला कि अब से कोई चेक पास होने के लिए मेरे यहाँ चिट्ठी नहीं जाएगा। और आज पंचायत समिति की बैठक को सर 9 महीना हो गया, जिससे हम लोगों को प्रतिनिधि को किसी भी कार्य का अनुसरण करने का पावर अधिकार है, उस अधिकार को इन्होंने छीनते हुए दबाने का काम आज तक 9 महीना हो गया, बैठक नहीं करवाया। और एक लाइन में आज तक किसी प्रतिनिधि से ना कोऑर्डिनेशन है ना संपर्क है। हम लोग 3 बार जलील हुए, जिल्लत की ज़िंदगी जिए कि फ़ोन से बात करने का प्रयास किया, उनके ऑफिस में भी गया लेकिन उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिनिधि का कभी वक्त नहीं आएगा। और हम लोग अगर ये जो घटना हुआ इसको लेकर हम लोग लॉकडाउन में रहते हुए डिसिप्लिन का अनुशासन का पालन करते हुए डिस्टेंस की दूरी रखते हुए इनके खिलाफ धरना करेंगे। जो आंदोलन करने का हम लोगों को होगा इनके खिलाफ बिगुल हम लोग फूंक चुके हैं और करेंगे। बिगुल फूंक चुके हैं अमरजीत जी, कहना है उनका कि बिगुल फूका गया। अध्यक्ष, अब हम आपको पुनः एक और मुखिया से बात कराता हूँ। श्रीमान आप बताएं कि आप अपना पहले परिचय दें। माइक। मेरा रामनारायण सहरी नाम है, मैं कटमना उत्तरी के मुखिया हैं। तब बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं, नीलम देवी को हटा दिया जाता है, आप भी तो मुखिया हैं। जी नहीं, वो तो आप बहुत अपमानित किए हैं, ऐसे पर बहुत गहरा ही है, हमें दुख है, बहुत काफ़ी तकलीफ है। हम शुरू से उनके साथ सहयोग में रहे और उनको कहते रहे कि चलिए लड़ाई जहाँ तक होगा मैं लड़ाई आपके संग साथ जाएंगे। नहीं, उनके साथ की बात नहीं, बात एक महिला मुखिया की हो जाती है। उसके प्रताड़ना किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी उनसे गलती भूल किए हैं पदाधिकारी। आप लोग क्या मतलब सोच रखे हैं? सोच रखे कि मैं उनसे हर हमेशा आगे बढ़ने के काम करेंगे, उनको बढ़ाने के काम करेंगे। कमर कसे हुए हैं मुखिया लोग कि हमारे मुखिया नीलम देवी को जो चैम्बर में जो बर्ताव किया गया उस बर्ताव को लेकर के काफ़ी आहत हैं। हमारे साथ इस समय एक और पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप भी पंचायत प्रतिनिधि हैं। ये जो घटना हुई है डंडारी प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ख़ास करके उस जनप्रतिनिधि के द्वारा के साथ जो एक संविधान के मुताबिक चुनकर जो अधिकार मिला मुखिया पद का, उस गरिमा का उन्होंने अवहेलना किया, अपमानना किया, और इनका शुरू से यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के आम जनता के खिलाफ से इन्हें रवैया रहा है। ये 8 महीने 9 महीने से हम लोग कभी उनके चैम्बर में नहीं गए, ना कभी टेलीफोनिक हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि संवाद करें, लेकिन ये तानाशाही रुख अपनाने वाले लोग हैं और इनका एक ही लक्ष्य है कि यहाँ से जितना हम बटोर सकें पैसा बटोर के अपने घर की और जेब की भरपाई करें और यहाँ की आम जनता भूखे रहे, परेशान रहे। आज नया दुर्भाग्य घटना है कि जो राशन कार्ड का भी सरकार ने योजना चलाया उसमें भी घोर धांधली है, जो लेने लायक गरीब लोग हैं उनका नाम नहीं आया, पैसे वालों का नाम आ रहा है, और इसमें BDO साहब का कोई भी किसी प्रकार का सहयोग या गाइडलाइंस किसी प्रतिनिधि साहब आज तक नहीं हुआ। जहाँ तक लगता है भ्रष्टाचार को लेकर के डंडारी ब्लॉक में, ये खुल्लम खुल्ला सरकार का जो नियम है उसके ताक पे रख के ये अपने जेब में गर्म करना चाहते हैं, और यहाँ के प्रतिनिधि चाहते हैं कि मेरे तलवे नीचे दबा रहे। उसी का उदाहरण है कि यहाँ की महिला प्रतिनिधि जो कि इस पंचायत में 3 गांव का पंचायत है, डंडारी महा, इस बड़े पंचायत की और मुख्यालय की मुखिया है, उनके साथ महिला प्रतिनिधि के साथ में इस दुर्व्यवहार का हमको आज तक अपने जीवन में कभी देखने को नहीं मिला। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ के BDO तानाशाही, भ्रष्टाचार और मनमाने ढंग से काम करने का इनका नियम है, नियत है, और किसी चीज़ को ये मानना नहीं चाहते हैं। सर, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डंडारी प्रखंड के जनप्रतिनिधि
बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि प्रखंड में उनकी इज्जत नहीं की जा रही है। योजना के नाम पे लूट और खसोट की बात सामने आ रही है। मैंने पिछले दिनों भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से डंडारी पंचायत, मैं उसी पंचायत में हूँ जिस पंचायत का वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि पैसे किस तरीके से वसूली किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक और मुखिया जी हैं, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम परमानंद शर्मा, कटारी पंचायत के मुखिया जी हैं जी। अगर मतलब वीडियो साहब नीलम देवी के साथ किया दुर्व्यवहार तो हमारे साथ भी किया, और हम उनके साथ देने के लिए हर तत्पर तैयार हैं जैसे हो। नहीं, नीलम देवी से मामला नहीं है, मामला आपसे भी नहीं है। एक पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो पंचायत के सिरमौर होते हैं, गार्जियन होते हैं। पंचायत में एक मेन प्रधान जिसको बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रधान के नाम से जाने जाते हैं। आपको नहीं लगता कि पूरे पंचायत के लोगों को दुत्कार मिली है? हमारे मैंने पूरे मतलब कटारी गांव का मैंने मतलब पूरी जनता के साथ अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है तो हमारे जनता के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया है। और हर समय वो अपना नीति चलाते रहते हैं और किसी का नीति मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हर समय भ्रष्टाचार की ओर रहते हैं, इससे हम दुखद हैं। और इस तरह का इतना दुखद बात है ये है, लेकिन नीलम देवी के साथ अगर किया है तो हम लोग बहुत मतलब इसका निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। एक चीज़ बताइए कि नीलम देवी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसमें तो आप विरोध जता रहे हैं, अब बाकी जो भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दुनिया जहान की जो कहानी डंडारी से उठ उठ करके सामने आ रही है, पिछले दिनों आपने भी न्यूज़ देखा होगा, पहले सुन लीजिए मेरे सवाल को, उन सारे मामलों में आप क्या कहना चाहते हैं? डंडारी वीडियो साहब जो जिस दिन से आए हैं किसी मुखिया का बात नहीं मानते हैं, और मतलब हर समय वो अपने बात पर, पिछले भी बात पर जैसे मैंने खाता मैंने खुलवाने की बात मैंने की गई थी हर समय, और हम इतने ही मुखिया जी जैसे जितना भी हैं उतने मुखिया जी हम लड़े, पांच मुखिया और सब मैंने तीन मुखिया मतलब इससे वंचित रहे, लेकिन हम इस तरह का वातावरण मतलब हर हमेशा अभी तक देखते आ रहे हैं। हम वीडियो साहब से अभी तक मैंने कभी बुलाए भी नहीं है, किसी प्रकार का काम होता तक बुलाते भी नहीं है, और जो भी मन होता है करते रहते हैं, इससे हम बहुत दुखद हैं।